नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। न्यूज़ रिव्यूज अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए। बने रहने के लिए ये सब्सक्राइब का स्विच जरूर प्रेस कीजिए, और ताकि नोटिफिकेशन आपके पहुंच सके और अपडेट रहें आप सारी जो आजकल की जो हलचल चल रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। दोस्तों, आजकल का दौर टाटा का, मेनली बात करें हम, इनके पास दो गैप्स हैं जो उनको पूरा करने के लिए ये दो गाड़ियाँ और पेश कर रहे हैं। टियागो इनके पास है, बहुत अच्छे तरीके से सेल निकाल रही है वो गाड़ी, और उसको बरकरार भी रखा है इन्होंने टाइम टाइम पे इसके अपडेट्स देके, वेरिएंट्स अलग अलग देके। उसके बाद सीधा इनके पास नेक्सन है। हाँ, हालांकि इनकी बलेनो का राइवल भी एक गाड़ी आ रही है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाली है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही टियागो है इनके पास या फिर बलेनो है। स्विफ्ट के मुकाबले की कोई गाड़ी इनके पास है नहीं, तो उसके लिए भी ये कर रहे हैं स्विफ्ट या इग्निस के मुकाबले की आप गाड़ी कहें, या KUV जिसको आप मिनी माइक्रो SUV जिसको बोल सकते हैं, वो इनके पास किसका कोई जवाब नहीं है, तो उसकी भी ये तैयारी कर रहे हैं। प्लस दूसरी साइड पे अगर हम नेक्सन को देखें और हैरियर को देखें, तो ये दोनों गाड़ियाँ काफ़ी डिफरेंट हैं। एक गाड़ी 6 लाख से शुरू होती है और दूसरी गाड़ी 12.5 लाख रुपये से शुरू हो रही है, और के बीच का कोई डिफरेंस नहीं है। जो कि क्रेटा के मुकाबले को गाड़ी जो हो, तो उस गाड़ी को बनाने का भी इनके पास विचार है। क्रेटा किक्स या एस क्रॉस को जो बोल सकते हैं, उन चीज़ों का राइवल भी इनके पास विचार है, हम उसके बारे में आज बात करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात जो रिसेंटली अब लॉन्च हुई है, हेक्सा 2019, उसके अंदर माइल्ड से अपडेट्स करके ये गाड़ी पेश की गई है। एक बहुत बड़ा नई जो चीज़ आई है, उसके लिए भी हम बात करते हैं। शुरुआत की है दोस्तों इन्होंने, जो बाहर से जो चेंज नज़र आएगा इसके अंदर है डुअल टोन का। अब जो उसकी छत है ब्लैक कलर की नज़र आएगी, वो देखने में सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। बड़ी गाड़ी के अंदर ब्लैक कलर की छत और अच्छी लगती है, तो दोस्तों ये चीज़ इसके हक में जाती है। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे इसमें चेंजेस भी किए हैं, बड़े चेंजेस में दोस्तों। डुअल टोन रूफ आ गई इसके अंदर, मल्टीपल अलॉयज की ऑप्शन इसमें दे दी गई है। जो इंजन इसका आता है, इंजन वही सेम इसका आ रहा है, 2.2 लीटर का वेरिकोर, एक 320 आता है, एक 400 आता है। जो 320 इंजन है वो 148 BHP का 320 NM की टॉर्क जनरेट करता है, और जो 400 है यानी कि वेरिकोर 400 जो उसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, वो 154 BHP की पावर 400 NM की टॉर्क के साथ जनरेट करता है आ रही है। अब सिर्फ बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी सब में ऑटोमेटिक की ऑप्शन आ रही है, XE वेरिएंट है जो उसको छोड़ के। बड़ा डिफरेंस दोस्तों, एंड्रॉयड ऑटो के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा इसके अंदर पेश किया गया है, 7 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। जो मेन हाईलाइट है इसका वो है XM वेरिएंट के साथ इसका XM प्लस वेरिएंट भी पेश कर दिया गया है, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि तकरीबन 16 नए फीचर्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जो XM प्लस में जो वेरिएंट में आ रही हैं, जो R16 अलॉय व्हील्स आ रही हैं, क्रोम इंसर्ट जगह जगह पे इसके दे दी गई है। उसके बाद इसमें सॉफ्ट टच डैशबोर्ड हमें मिलेगा, लेदर रैप स्टीयरिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट फॉग लैंप्स, ऑटो AC, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिरर मिल जाएंगे, जो हमें XM में नहीं मिल पाती वो चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं। 12 वोल्ट की सॉकेट अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों रो के अंदर हमें मिल जाएगी। XM की दोस्तों कीमत है 14,38,507 रुपये, XM प्लस की कीमत इन्होंने रखी है 15,46,505 रुपये, यानी कि सीधा सीधा 1,07,998 रुपये का डिफरेंस है दोनों के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से जस्टिफाई होता है। जितनी सारी उन्होंने इसके अंदर फीचर्स दिए हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें जस्टिफाई हैं। अब दोस्तों इसके साथ ही मैं छोटी सी अपडेट है, इसलिए मैं इसके साथ ही जोड़ रहा हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं बनता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी आपको। काम कर रहा है दोस्तों एक माइक्रो SUV के ऊपर, टाटा हॉर्नबिल इसका नाम रखा गया है, जो कि KUV 1 डबल और इग्निस जैसे कि माइक्रो SUV जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर बेस्ड होगी। प्लेटफॉर्म इसका वही रहेगा ओमेगा आर्क, जिसके ऊपर हैरियर बेस्ड है। और इंजन इसके दोस्तों मेरे हिसाब से इंजन इनको पेट्रोल का तो चलो शायद वही आए जो टियागो के अंदर है, लेकिन डीजल का जो इंजन है, डीजल इंजन इनको थोड़ा सा डिफरेंट देना पड़ेगा, क्योंकि जो टियागो का इंजन है वो अंडर पावर है। इसके अंदर ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों की ऑप्शंस आ जाएंगी। फीचर्स लोडेड होगी दोस्तों गाड़ी, ऑटो AC, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो 8 स्पीकर का सिस्टम इनका सेट जो चल रहा है वो सेट इसके अंदर बरकरार रखेंगे। सस्पेंशन इसका बहुत अच्छा होगा जैसे इनका पहले भी है,
और बाकी सारे फीचर्स इसके अंदर जो गाड़ियों के अंदर दे रहे हैं उसके हिसाब से इसके अंदर भी आएगा। स्ट्रेंथ बॉडी की बहुत अच्छी होगी जैसे कि ऑलरेडी इनके सब गाड़ियों के अंदर होती है। और लॉन्च की दोस्तों इसकी बात करें तो 2020 में लॉन्च होगी, जिनेवा मोटर शो के अंदर दिखाई जाएगी कभी कॉन्सेप्ट वर्जन इसका, और दिल्ली ऑटो एक्सपो 2020 में जो होना है उसके अंदर इसकी झलक दिखा दी जाएगी। लॉन्च दिवाली के नज़दीक हो जानी चाहिए। ये कीमतें दोस्तों इसकी वाजिब से रखी जाएंगी जो कि 4 से लेकर 6 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी आ सकती है। और दोस्तों दूसरी गाड़ी है इनकी ब्लैक बर्ड जिसको ये बोल रहे हैं, जो क्रेटा का राइवल है जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। इसका इंजन दोस्तों, इंजन की बात करूँ तो 1.2 लीटर का और 1.5 लीटर का पेट्रोल डीजल दोनों नेक्सम के जो इंजन है वही इंजन इसके अंदर रीट्यून करके डाल दिए जाएंगे ताकि थोड़ी पावर भी अच्छी मिल सके और माइलेज में भी कंट्रोल कर सके उसको, माइलेज भी जनून से हमें मिल सके। सेफ्टी और फीचर वाइज दोस्तों गाड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अब इसके अंदर ऑटोमेटिक इनको देना लाजमी हो जाएगा, हैरियर के अंदर इन्होंने ना देके थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, इसके अंदर ऑटोमेटिक पहले ही दे देना चाहिए था। हालांकि ऑटोमेटिक हैरियर का टेस्ट पे चल रहा है, जो इनका ओमेगा जो इनका प्लेटफॉर्म है सॉरी उसके अंदर ये गाड़ी इसको पेश कर दी जाएगी, जिसके अंदर काफ़ी सारी अच्छा एक लैंड रोवर के ऊपर जो D8 के प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ये गाड़ी पेश कर दी जाएगी। और जो बहुत अच्छा है 4.5 मीटर के अंदर ये गाड़ी आएगी जो कि नेक्सन से थोड़ी सी महंगी होगी और हैरियर से थोड़ी सस्ती होगी। दोस्तों इसके अंदर वही म्यूजिक सिस्टम की वही बातें आ जाएंगी कि 8 इंच का 8.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो फ्लोटिंग है वो इसके अंदर आएगा। JBL के स्पीकर सिस्टम के साथ ये गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल निभाएगी। इसका भी अब जिनेवा मोटर शो के अंदर इसका हमें कुछ झलक देखने को मिलेगी और दिल्ली ऑटो एक्सपो 2020 में भी इसकी कॉन्सेप्ट वर्जन ही देखने को मिलेगा। इसका अभी दूर है, 2021 के करीब जाके ये गाड़ी लॉन्च होगी, लेकिन उम्मीद है ये गाड़ियां बहुत अच्छे तरीके से टाटा के लिए एक अच्छा रोल निभाएंगी और टाटा फुल बेल्स एंड विसल्स के साथ इस गाड़ी को लॉन्च करेगा। फीचर्स में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, हो सकता है इसमें सनरूफ और 6 एयरबैग की ऑप्शन ऑल डिस्क ब्रेक के साथ आए जैसे कि XUV300 के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों बताइएगा ये आपको अपडेट कैसी लगी, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना यार, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिनको हेक्सा के बारे में XM प्लस वेरिएंट जिनको कमी महसूस होती थी, जो निचले वेरिएंट के अंदर जो फीचर्स नहीं थे वो अब XM प्लस के अंदर आ गए हैं। 1 लाख ऊपर देके मेरे हिसाब से जेनुइन कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं आई है। हाँ, जो ऊपर के जो 2 वेरिएंट्स उसके अंदर ब्लू और ग्ले 2 कलर्स नए आ गए हैं जो टॉप वेरिएंट के अंदर ही हमें मिलेंगे। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय।